हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, सुबह के सारे काम हो चुके हैं मेरे और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, लगभग 3:30-4 बज रही है। तो दूध रखा था काफ़ी, तो मैंने सोचा आज बना देते हैं इंस्टेंट रसमलाई। तो उसके लिए मैंने ये दूध रखा है, तो इसे डाला है कढ़ाई में और ब्रेड ला कर रखी है। तो पहले रसमलाई का रस बनाएंगे दूध से। दूध को अच्छे से बॉईल करेंगे और यहाँ पर बच्चों को लग रही है भूख, तो उनके लिए कुछ नाश्ता बना दिया है। सूजी की इडली, सूजी भिगो दी थी छाछ में, तो उसकी इडली रेडी हो गई है। इडली की डिश रेडी हुई है। इसमें ग्रीन चटनी रखी है, चटनी पहले से रखी हुई थी तो वो ले ली है। और ये सॉफ्ट सॉफ्ट इडली रेडी हो गई है बच्चों के लिए। अब ये दूध गाढ़ा हो गया है, काफ़ी गाढ़ा हुआ है, अभी और गाढ़ा इसको करना है। तो इसमें मैंने थोड़ी बादाम डाल दिए कुटी हुई, और ये थोड़ी काट के डाली है बादाम और केसर और थोड़ा पिस्ता। अच्छे से इनको दूध को गाढ़ा करना है हमें। ये देखिए थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है दूध का। दूध काफी हद तक कम हो गया है, थोड़ा और करना है इसको। अब ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है, अब गैस ऑफ कर दिया है मैंने। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ठंडा होने के बाद इसको यूज़ में लेना है। तो रूम टेम्परेचर आ जाएगा तो फ्रिज में रख के भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। अभी मैं आ रही हूँ किचन में, और ये हमारी जो रस बनाया था हमने, ये रसमलाई के लिए, इंस्टेंट रसमलाई के लिए। तो ये ठंडा हो गया है अच्छे से, और अभी बज रही है 6। तो अभी इसकी करते हैं प्लेटिंग, चलिए शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने निकाली ब्रेड, ये रस ठंडा हो चुका है काफ़ी। तो ये कटोरी से कट किया है मैंने, गोल सेप, आप कोई भी सेप बना सकते हैं। मैंने गोल किया है लेकिन मुझे बड़ा लगा तो मैंने छोटी कटोरी ली है। तो ये छोटे छोटे पीस कट रही हूँ, आप चाहे तो ट्रायंगल भी काट सकते हैं साइड की किनौर निकाल के, मैंने गोल किया है। तो पहला वाला जो काटा था वो बड़ा लगा मुझे, तो मैंने फिर छोटी कटोरी से काटा है। तो ये छोटे पीस अब इसके ऊपर ये डाल देंगे। अब इस पर मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि अच्छे से ब्रेड सोख ले दूध को। अब इस पर थोड़ा पिस्ता डाल देंगे, पिस्ता की कतरन है ये, और बादाम की कतरन वो डाल देंगे। और मानिया भी अपने लिए रेडी कर रही है उधर, कि मैं भी अपने लिए मैं ही बनाऊँगी। ये देखिए इंस्टेंट रसमलाई रेडी हो गई हमारी। तो रसमलाई हो गई हमारी रेडी, इंस्टेंट रसमलाई।
अब करते हैं हम लोग इंजॉय, टेस्ट करते हैं कैसी लगती है। मैंने पहली बार ही बनाई है पर बहुत अच्छी लग रही है, टेस्ट करते हैं कैसी बनती है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, इंस्टेंट है तो ट्राई कीजिएगा। और मान्या ने अपने लिए डिश सजाई है, ये देखिए वो सजा रही है अपने लिए डिश। वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।